दोस्तों, यदि आप भी मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मोबाइल फ्रेम में अच्छी तरह से सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो वीडियो को बिना समय खराब किए करते हैं शुरू। यदि आपके पास PNG मोबाइल फ्रेम है तो ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर यहाँ आपको सर्च कर लेना है, आपको सर्च कर लेना बैकग्राउंड रिजियर, आपको इस ऐप को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इसे आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी, तो आपको यहाँ पर लोड आ फोटो पर क्लिक कर लेना है। लोड आ फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो को चूज़ करने के बाद आपको मोबाइल फ्रेम, जिस मोबाइल फ्रेम को आपको PNG में करना है उसे सेलेक्ट कर लें। हम इस मोबाइल फ्रेम को यहाँ पर कर लेते हैं। इस मोबाइल फ्रेम को हम PNG में करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसको सिंपली इस तरीके से सेट कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि इसे एकदम सटा कर भी सेट नहीं करना, या फिर ये नहीं तर ये फिर आपको इस तरीके से सेट कर लेना है इसे, और इसे एकदम इस तरीके से बिल्कुल ना चिपकाएं, इसे इस तरीके से बिल्कुल ना चिपकाएं, इसे थोड़ा दूर दूर ही रहने दें। इसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑटो सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इसको पूरे मोबाइल की स्क्रीन पर चारों तरफ इसे इस तरीके से कर देना है। आपको इस तरीके से करने के बाद यहाँ से एक बार दोबारा यहाँ से बाहर साइड एक बार फिर से हमें इस तरीके से कर देना है। यहाँ पर हमें दोबारा करने के बाद इसी तरीके से कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर डन पर कर देना है क्लिक। इसके बाद हमें इस तरीके से ये इस तरीके से हमारा मोबाइल फ्रेम हमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर लेना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कान मास्टर पर आ जाना है। आपको अभी यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर सही के टिक पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सही से करेंगे तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छे से लग जाएगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।